रत्न स्वर कोकिला अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करती थी। उनका स्वभाव बहुत ही भोला भाला सा था। सब लोग उनको दीदी कहकर बुलाते थे। एक टाइम ऐसा भी आया था जब किसी ने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भद्दे आरोप लगाए थे। इवन उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए थे कि अगर लता मंगेशकर जी चाहती तो उसको कोर्ट तक भी ले जा सकती थी, लेकिन लता जी ने ऐसा नहीं किया और उन आरोपों को सिरे से नकारा था। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक ऐसा वाक्य 2 साल पहले सुनने में आया था जब दिवंगत गायक भूपेन हजारिका की पत्नी प्रियमता पटेल ने लता मंगेशकर जी ऊपर यह आरोप लगाया था कि उनका घर टूटने की वजह लता जी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वर कोकिल लता मंगेशकर उनके पति भूपेन से बेहिंता प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। प्रियवदा जो है इन दिनों कनाडा के ओटावा में रहती हैं। वो भूपेन हजारिका की पहली पर्सी में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए असम आई थी, जब उन्होंने एक असमी टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने इसको अपनी आत्मकथा के अंदर भी बताया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लता मंगेशकर जी ने इस बात को सिरे से नकार दिया था।